बेंगलुरु में मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ वोटर्स हैं, क्योंकि आज पूजा वोटर्स का दिन है, उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो केजे श्रीवत्सन, आपके साथ वोटर्स से उनसे बातचीत कीजिए। बहुत स्पष्ट माइंड के साथ पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशन की, भले ही नेताओं ने कोई भी मुद्दा बनाया हो, लेकिन उनको किस मुद्दे पर वोट कास्ट करना है ये पता है। जी बिल्कुल, देखिए किस मुद्दे पर इनको वोट देना देने के लिए यहाँ पर आना था पोलिंग बूथ में, ये इन्हें अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं अभी इन भाई साहब से बात कर रहा था और सर की ओर से साफ कहा गया कि ये घर से सोच के आए थे। क्या क्या इशू आपके लिए अहम था? इशू आज भ्रष्टाचार का है, और वो बम्बई जो है ना, सीएम अच्छे नहीं थे, वो उनको बात करना नहीं आया था, और उससे पहले जो येडियुरप्पा थे ठीक थे, अभी जो कांग्रेस सिद्धरामैया जी और डी के शिवकुमार का थोड़ा बहुत अच्छा करप्शन कोई इशू था कोई दिमाग में, क्योंकि बार बार इलेक्शन में हम सुन रहे थे कि 40% की गवर्नमेंट। हाँ, करप्शन इशू था, और गांव वगैरह में भी बहुत करप्शन के खिलाफ है, लोग बहुत बेरोजगारी हो गई है, बहुत परेशानी है, हम लोग भी दुकान है, हमारी भी बिजनेस बहुत डल है, जाके बैठना सिर्फ न्यूज़ देखना है, मोबाइल में आना है, राजू रंजन और वो हमारे संदीप चौधरी है ना, उन्हीं का देखते हैं। ये देखिए बड़ी बात है कि न्यूज 24 ये देखते भी हैं, और उस दौरान इन्होंने वॉच भी किया था कि कर्नाटक में किस तरह का माहौल है, क्योंकि जानते हैं निष्पक्ष न्यूज देने में न्यूज 24 काफी अग्रणी रहता है, तो ये अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से समझ के मुद्दों को ध्यान में रखते ही ये यहाँ पर वोट देने आया। कई और लोग भी हैं यहाँ पर, अंदर भीड़ भी लगी हुई है, बहुत सारी है, अंदर जाके आप देख सकते हैं। इधर तो हिंदू मुसलमान नहीं होगा सर, मुसलमान नहीं होगा कर्नाटक साउथ में। अच्छा, तो ये कहते हैं कि धर्म की जो बात उठी थी वो शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा असर नहीं करेगी, कम से कम इस शिवाजी नगर इलाके में तो बिल्कुल नहीं करेगी। फिलहाल तो मतदाता यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और वोटिंग उनका पूरा प्रोसेस जारी है। मैं कुछ और लोगों से भी बातचीत करता हूँ। सर, आप भी वोट डालने हैं यहाँ पर, इधर आ जाइए। तो वोट का क्या क्या इशू टॉपिक रहेगा आपके, किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं आप, क्यों ऐसा कोई खास वजह तो आप सब लोग देख रहे हैं ना, आजकल क्या चल रहा है, किधर चल रहा करके, हर चीज का दाम बढ़ गया है, गैस है, पेट्रोल बंद है, अनाज बंद है, कुछ भी रहते हैं, हर चीज का दाम भी बढ़ गया है, जो बोलते हैं वो करते नहीं। ये है ना, ये देखिए, ये फिर सोच के आए थे कि किसको वोट देना है, क्यों देना है, ये सब इन्हें अच्छी तरह से पता है। वैसे करप्शन सबसे बड़ा यहाँ पर एक इशू माना जा सकता है, रिजर्वेशन उससे भी बड़ा यहाँ पर इशू माना जाता है, क्योंकि इनका कहना है कि रिजर्वेशन के साथ ऊपर नीचे छेड़छाड़ की गई थी बम्बई सरकार के द्वारा। करप्शन 40% करप्शन की कांग्रेस लगातार बात उठा रही है, और सबसे बड़ी बात त्रिवेदी का भी मैं रुक कर लेती हूँ, लगातार हमारे साथ मैसूर से बने हुए हैं, यहाँ पर भी वो जो मौजूद वोटर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके मन को टटोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, और बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि किन मुद्दों को लेकर लगातार यहाँ पार्टियां उतरी हैं ये तो हमने जान लिया। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.